हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी गाजर के लड्डू। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, नवरात्रि और रमज़ान दोनों ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस लड्डू को बना के रख सकते हैं। इसे 6 से 7 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आएगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लड्डू बनाने के लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ 3 कटोरी गाजर लिया है। ये ऑरेंज वाला गाजर मैंने लिया है, आप रेड वाला, ऑरेंज वाला कोई भी गाजर ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, और आधी कटोरी मैंने लिया है घर की फ्रेश मलाई है जो दूध से निकलती है। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं जो कि मार्केट में मिलती है। और ये मैंने ले लिया है ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू और बादाम। आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है इलायची पाउडर। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया आधा छोटा चम्मच घी, और उसी में हम काजू और बादाम को फ्राई कर लेंगे। बस हमें इतना ही घी चाहिए जिससे कि काजू बादाम हमारा फ्राई हो जाए और हमें घी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए काजू बादाम फ्राई हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। फिर वापस से इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है गाजर, और गाजर के साथ ही मैंने डाल दिया है चीनी। चीनी और गाजर दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसे मिक्स कर लेने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे कि चीनी भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और गाजर भी सॉफ्ट हो जाए। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है। गाजर का देखिए क्वांटिटी भी कम हो गया है। अब इसे हमें गैस की फ्लेम को फुल कर देना है और इसका पूरा पानी सुखा देना, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि नीचे से गाजर लगे नहीं तले में। और अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है मलाई, इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसे हमें गैस की फ्लेम फुल करके इसे चलाते रहना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए। अभी इसमें हमने ऐड कर दिया है नारियल का बुरादा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गाजर का ऑलमोस्ट सारा पानी सूख चुका है। अब इसे हमें और जल्दी जल्दी चलाते रहना है जब तक कि चीनी की एक चाशनी ना बनने लगे, इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट ना होने लगे। और यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा था उसे ग्राइंड कर लिया, इसे हमने दरदरा ही पीसा है, पूरा फाइन पाउडर नहीं किया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अभी गाजर का पूरा पानी सूख चुका है, अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अभी हमने गैस को बंद कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखा हुआ था, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमने दरदरा इसीलिए पीसा है जिससे कि इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं खाने में जब मुंह में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, थोड़ा क्रंची लगेगा लड्डू। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसे हमने पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है, इसे थोड़ा सा ही ठंडा किया है जिससे कि हाथों से इसे हम छू सकें। इस तरह से हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना ले रहे हैं। आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी साइज़ का आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसके लड्डू बन जाते हैं। हमें ना ही घी का इस्तेमाल करना है, ना पानी का, कुछ भी हाथ में नहीं लगाना है, फटाफट से सारे लड्डू बन जाएंगे। देखिए हमारे सारे लड्डू फटाफट से बन गए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।